मैं प्रदीप कुमार मीणा, प्रदीप किसान मित्रा यूट्यूब चैनल पे सभी किसान भाइयों का तहे दिल से धन्यवाद। मैं सभी को नमस्कार। किसान भाइयों, अक्सर हम देखते हैं कि हमारी जो वेजिटेबल सब्जियां हैं, फिर हमारे अन्य फसल के अंदर या फिर बागवानी कृषि के अंदर सबसे ज़्यादा समस्या आती है दीमक की, फिर अन्य कोई कीटाणु लग जाते हैं जड़ के अंदर, जिससे पौधा धीरे धीरे सूख कर नष्ट हो जाता है। और एक सबसे बड़ी समस्या आ रही है वायरस, जैसे वेजिटेबल सब्जियों के अंदर वायरस आ जाता है, जिससे पत्ता मरोड़ वायरस बोलते हैं, पत्ता मरोड़, जिसमें पत्ता मतलब थोड़ा कोटीपन होने लग जाता है, वायरस आता है। तो हम क्या है कि कई बार क्या है कि बहुत कॉस्टली दवाई खरीद लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा, जो जिनकी प्राइस बहुत ज़्यादा होती है, उसके बाद भी कंट्रोल नहीं हो पाता वायरस। तो मैं आज आपको बिल्कुल देसी तरीका बताऊंगा, जो मेरे पास, मतलब कि हम कृषि के अंदर, यहाँ वेजिटेबल्स के अंदर, बागवानी कृषि के अंदर हींग का कैसे इस्तेमाल करेंगे। हींग है ये मेरे पास, जो हींग हम देसी जो है मेरे पास, ये 10 ग्राम का हींग है मेरे पास। ये क्वांटिटी अलग अलग में मिलेगा आपको, 10 ग्राम में, 25 ग्राम में, इससे ज़्यादा भी, 100 ग्राम में भी मिल सकता है, अलग अलग प्राइस होगी। ये 10 ग्राम का है मेरे पास, इस पर प्राइस है 35 रुपये। तो आप मार्केट से कहीं से भी खरीद सकते हैं। इसका इस्तेमाल किस प्रकार करना, अब इसमें मतलब कौन कौन सा प्रोडक्ट है इसमें, जैसे हम बात देखते हैं कि जो हमारा ऑनियन, प्याज है, लहसुन है, इसमें थोड़ी अलग प्रकार की स्मेल आती है, मतलब एक गंध आती है जो सल्फर की गंध होती है, वो थोड़ा तीखापन, मतलब अलग ही गंध आती है। कई बार क्या है वो सल्फर होता है, और जो हमारे सरसों होती है, सरसों जो उसके तेल की के अंदर से भी मतलब एक अलग गंध आती है, वो भी सल्फर की आती है, क्योंकि हम जैसे प्याज, लहसुन और ये सरसों है, इसमें हम सल्फर का इस्तेमाल करते हैं, तो ये सल्फर की गंध आती है, थोड़ा मतलब कि अलग, थोड़ा तीखापन आता है इसमें। तो मैं इसमें हींग के अंदर सल्फर है, कार्बोहाइड्रेट है, नमी है, राख है, रोल है, अलग अलग परसेंटेज के अंदर, तो ये सभी मतलब कि एक तत्वों के रूप में इसमें मिले हुए हैं। तो इसमें सबसे पहले हम जैसे ड्रेचिंग करनी है, ड्रेचिंग के अंदर हम मतलब कि 200 लीटर पानी के अंदर हम 100 ग्राम हींग डालेंगे। अगर हमें मतलब कि ड्रेचिंग करनी है, तो हमें मतलब कि 2 लीटर पानी के अंदर 1 ग्राम हींग डालना है। और जैसे हमें मतलब कि ड्रिप सिस्टम में चलाना है, तो हम 200 लीटर पानी के अंदर 100 ग्राम हींग डाल देंगे। और इसके बाद हम इसका यूज करेंगे। तो सबसे पहले इसका रिजल्ट देखेंगे, इसका घोल हम तैयार कर लेंगे। सबसे पहले हमें पानी लेना है शुद्ध, उसके बाद इसमें हम पूरा 25 ग्राम हींग डाल लेंगे। इसका कुछ सावधानी बरतनी है हमें, सावधानी बरतने के लिए हमें सबसे पहले, जैसे हमारा जो पौधा है उसकी जो पत्तियां हैं उसके ऊपर इसका स्प्रे नहीं करना है, थोड़ा सावधानी बरतनी है। और इसके बाद जो तना है, तना से थोड़ा दूरी रखकर, मतलब कि थोड़ा इसके एक सर्किल बनाकर इसका स्प्रे करेंगे, जिससे बहुत ही अच्छा रिजल्ट निकल के आएगा। तो बिल्कुल ये देसी तरीका है, इससे दीमक भी बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगी, और जो अपना जो ये वायरस बताया मैंने, पत्ता मरोड़, तो ये भी बहुत ही शानदार रिजल्ट आया है इसका, मतलब कि हींग का, और ये जड़ से ख़त्म हो जाएगा। तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यूज किया है और हमें मतलब कि इसका रिजल्ट देखा है, बहुत ही शानदार रिजल्ट है। तो आप सभी किसान भाई इसका यूज कर सकते हैं, अलग अलग क्वांटिटी के अंदर मिल सकती है। 200 लीटर पानी के अंदर 100 ग्राम हींग डालना है, और ड्रेंचिंग के अंदर मतलब कि 1 लीटर पानी के, 2 लीटर पानी के अंदर 1 ग्राम हींग डालना है।